नमस्कार दोस्तों, आज 15 नवंबर 2024 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आजादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाजार चला, आज के क्या क्या रेट है। जी दोस्तों, आज तो मैं गांव में आया हूं, अपने यहां पर शादी थी, कल आ जाऊंगा दिल्ली में। चलिए जानते हैं आज का दिल्ली आजादपुर मंडी में प्याज की क्या रिपोर्ट है जी, कितनी गाड़ियाँ हैं, क्या क्या रेट हैं। चलिए जानते हैं सोनू भाई साहब से आज की क्या रिपोर्ट रही। बढ़िया जी भाऊ जी, ठीक ठाक जी, कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आज की क्या रिपोर्ट चल रही जी मंडी की? जी आज की मंडी की रिपोर्ट ये है जी, 45,000 के की आमदनी है। 45,000 कल भी तो लगभग इतनी थी जी? हाँ कल भी इतनी थी जी। अच्छा जी, और जो बाजार समझो आप यहाँ पे समझो सूखे माल जो है वो 35 से लेकर 45 रुपए का, 35 से 45 बाजार में 2-2.5 रुपए किलो की तेजी है। वाह जी वाह, मैं तो घबरा गया जी, आपने कहा ना 2-2.5 रुपए किलो की, इतने में ना दिल धक धक करने लग गया, आपने कहा तेजी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, सूखे मालों में 2-2.5 रुपए किलो की तेजी है। कल जो सूखे माल 13 से 17 बिके थे, आज वो 14 से 18 बिके। वाह जी वाह, वाह जी वाह। और वैसे जो दूसरे वाले हैं जी, दूसरे वाले जो माल है गीले माल का कुर्बानी 1,000 रुपए से लेकर 1,300 रुपए। अच्छा जी, तो गिल्ले में भी कोई गिरावट तो नहीं है जी? गिल्ले में गिरावट नहीं है, मोटे गिल्ले तो 14-15 बीके। मोटे गिल्ले क्या रेट जी? 14-15 बीके, 1400-1500 रुपए मन जी। आप किलो में बता दे करो बाबू जी, कई बार किलो वाला चलता है। किलो किलो में बताऊं तो मोटे माल गिल्ले माल जो है वो 35 से लेकर 37 रुपए। अच्छा जी, अच्छा जी। और जो मीडियम सूखे है वो 35 से 40 रुपए। अच्छा जी, और जो छोटे माल है गोली गुलटे वो जैसा माल वैसा वो। अच्छा जी, और हल्के गीले जो बिल्कुल मीडियम है माल गीले में उनका कोई भाव नहीं, वो 25 रुपए से लेकर 25-35। अच्छा जी, अच्छा, लेने वाले बाहर के वैसे ही दाम है, अच्छे वाल का अच्छा दाम है, अच्छा माल 35 से लेकर 45 रुपए। अच्छा जी, हाँ जो मोटे बढ़िया माल जो एक्स्ट्रा सुपर माल आएंगे तो 45 जगह 48 रुपए 47 रुपए। अच्छा जी, अच्छा, तो पुराना माल तो बिल्कुल ही खत्म है जी? और पुराना माल खत्म हो गया, नए माल में बिक्री स्पीड अच्छी है। अच्छा जी, बहुत अच्छी डिमांड है। जी ठीक है जी, धन्यवाद भाऊ जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी।